हेलो लिमिटलेस फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो आज हम लोग एक मैच खेलने जा रहे हैं। तो मैच ना मेरे जिम का है, जिम इलेवन वर्सेस अदर जिम इलेवन। तो दूसरा जिम तो मेरे को पता नहीं कौन सा है, पर एक टीम हमारी एक टीम उनकी होगी। तो मल्टी एक्टिविटी सेंटर में मैच है, काफ़ी अच्छा स्टेडियम है, छोटा सा ही है पर बहुत अच्छा स्टेडियम है। तो अभी सबसे पहले तो अपने लोगों को जिम चलना है, तो जिम में वर्कआउट करते हैं, उसके बाद चलते हैं मैच खेलने। तो देन आई विल सी यू। मैं जिम पहुंच गया हूं, तो ये रहा जिम। तो अभी वर्कआउट फिनिश करते हैं और फिर चलते हैं मैच खेलने। स्टार्ट हुए ना, काफ़ी टाइम हो गया, तो शुरू में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो हम लोग 20 ओवर का मैच खेल रहे हैं, हमारे ना 136 रन है, 17 ओवर हो गए, 3 ओवर बचे हैं अभी। अभी ना ड्रिंक्स हो गया, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है। तो ना जैसे कि ये वाला ग्राउंड है, दिस इज़ मल्टी एक्टिविटी सेंटर, तो बहुत अच्छा ग्राउंड है। वैसे तो बहुत ज़्यादा छोटा ग्राउंड है, अगर आप लेदर बॉल से खेलते हो। हम लोग टेनिस से खेल रहे हैं तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, क्योंकि बॉल उतना ट्रैवल नहीं करता है, लेदर बॉल ट्रैवल बहुत करता है, तो काफ़ी छोटा ग्राउंड हो जाता है ये। वैसे इस बॉल से खेलने के लिए बहुत ही लाइक बहुत ही मेरे से तो छक्के वक्के लग नहीं रहे थे, क्योंकि बॉल उतना ट्रैवल ही नहीं कर रहा था। तो मैंने ना मैं ओपन कर रहा था, मैंने 27 रन बनाया, मैं आउट हो गया। तो अभी इट्स 136 और अभी 3 ओवर बचे हैं बस। तो वैसे ना जो विकेट वगैरह काफ़ी फ्लैट है, ओवर हो गया है 17। मैंने आपको विकेट दिखाता हूँ, विकेट ना काफ़ी फ्लैट है, पर वही है कि टेनिस बॉल से मैच खेल रहे हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता विकेट कैसा भी। गिला भी तो चलता, पर यह कि थोड़ा सा फंसना नहीं चाहिए, पूरा एकदम फ्लैट विकेट बस। अभी ना एक विकेट हो गया हमारे, आई थिंक 6-7 विकेट हो गए हैं। रन तो ठीक ठाक है, बस इनके बैट्समैन आई डोंट नो कैसे हैं। अगर बैट्समैन अच्छे हो तो कम रन है, वैसे हमको फिर बॉलिंग में अच्छा एफर्ट डालना पड़ेगा। बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा, गुड, सिंगल है, सिंगल। अब कह रहे वर्कआउट देंगे फिर भी नहीं माने, बाहर मार दी ना उधर पे। अभी ना सिक्स मारा इन्होंने, ऐसे वो बाहर गिरी है वहाँ पे बॉल, इधर पे ना बॉल बाहर चला जाए तो यहाँ से लाना पड़ता है, ऐसे घूम के जाओ फिर लेके आओ, ऐसा होता। ओ सिक्स, लास्ट बॉल सिक्स, 156 है, 20 ओवर, 156 बीस ओवर हमारे ना 156 रन बने, 157 रन उन लोगों के चाहिए 20 ओवर में। तो अभी थोड़ी देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा, फिर देखते हैं कैसा रहता है। सो मैच इज़ ओवर, काफ़ी अच्छा मैच हुआ, बहुत मज़ा आया। तो दो जिम के बीच में मैच था, तो इट वाज वेरी वेरी फन, बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन, बहुत मज़ा आया। तो ना जो विकेट है ना, विकेट इज़ अभी भी बहुत ही अच्छा है, इस पर ना अभी भी मैच होगा, इतना अच्छा विकेट है। तो ये पूरा इट्स लाइक पूरा फ्लैट विकेट है, अभी तो और अच्छा हो गया,
अभी ना पूरा धूप वूप लग गई ना, तो पूरा एकदम फ्लैट हो गया एकदम। हम तो टेनिस बॉल से खेल रहे थे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं हमको विकेट का, बस ये कि हमको एक बहुत अच्छा सरफेस मिल गया तो खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। जब मैं बैटिंग कर रहा था ना तो काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल जैसे बिल्कुल ट्रू विकेट होता ना वैसे आ रहा था एकदम बॉल। हमारी ग्राउंड की बुकिंग 3 बजे तक की थी, तो 3 बज गया अभी। तो अभी ना अकेडमी का टाइमिंग वही होता है 3 से 5-6 बजे तक होता है ठंडी के टाइम में, तो सारे बच्चे अभी आ गए हैं, तो अभी इनकी प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट होगी, तो अभी हम चलते हैं। अभी ना मेरे को भूख लगी काफ़ी, तो मैं सोच रहा हूँ मॉल चलते हैं तो कुछ खाते हैं वहाँ पे। मेरे को ना रास्ते में ये जूस स्टॉल दिख गया था, तो यहाँ पर ना एक जूस पी लेते हैं। मेरा ना पानी पूरा ख़त्म हो गया था, तो मैं पानी की जगह जूस ही पी लूँ आज। एक लार्ज ये मौसम में बना दूँगा। मेरे को ना जूस पी के थोड़ा सा सही लग रहा है, ऐसे ना मेरा पूरा गला सूख गया था मैच में, क्योंकि ना इन मैच में 12th man होता नहीं है, हमारे पास गिनती के 11 लोग थे, तो वही फिर पानी नहीं पी पाना पूरे मैच में, तो नाउ आई एम फीलिंग लिटिल नाइस। मैच खेलने के बाद ना मैं मॉल आ गया हूँ, मेरे को ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैं कुछ खाने के लिए आ गया यहाँ पे, तो अंदर चलते हैं कुछ खाते हैं। इधर पे ना यहाँ पे ऑटो शो लगा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारी कार से अलग अलग ब्रांड्स की, तो ना यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो काफ़ी अच्छा है ये। इतने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो सब ने अपना एक्सपो लगा रखा है, शो जैसा है पूरा। सो दिस इज ये टाटा का है, यहाँ पे जीप वगैरह भी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वोक्सवागन जीप, XUV 700 भी थी। अभी ना हम लोग हाइपर मार्केट चलते हैं, हाइपर मार्केट से बस मेरे को कुछ खाने के लिए लेना है, वहाँ पे लगभग बहुत सारा खाने का आइटम मिल जाता है आपको, तो मेरे को देखता हूँ जो भी पसंद आएगा वो ले लेते हैं। फिर ऊपर चलते हैं फूड कोर्ट में, तो आप हाइपर मार्केट में ना खा नहीं सकते, वहाँ से आप पैक करा सकते हो, फिर आप ऊपर जाके आराम से खा सकते हो, तो ये बहुत अच्छा है उनका खाने के लिए ना, उनके पास बहुत सारे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शन। अभी ना मैं हाइपर मार्केट आ गया हूँ, तो ये वाला ना पूरा वेज सेक्शन है, यहाँ पे रेडीमेड फूड मिल जाता है, तो आप यहाँ से कुछ भी आपको जो भी पसंद आता ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, तो हम देखते हैं हमको क्या चाहिए। इधर पे ना बहुत सारे चाप्स हैं, तो ना चाप ठीक लगा, चाप मैं खा सकता हूँ, तो मैंने ना 250 ग्राम तंदूरी चाप ले लिया, और कुछ और देखते हैं। एक ना मैंने तंदूरी चाप ले लिया, एक और कुछ ले लेते हैं पीने के लिए। तो यहाँ पे इनके पास ड्रिंक्स भी बहुत सारी है, तो ये सब बर्फ का है पूरा इनके पास ना। रिसेंटली ये लखनऊ में बहुत फेमस है, दिस इज़ मलाई मक्खन, तो ये यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अगर आप चौक साइड जाओगे ना तो आपको वहाँ पे बहुत सारे दिख जाएंगे। तो इन्होंने भी स्टार्ट, ये वाला मैंने टेस्ट नहीं किया है पर अच्छा ही होगा, तो एक ना ये ले लेते हैं, दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ लेमन मिंट बेजल सीड्स का जूस है, और भी बहुत सारे जूस हैं इनके पास, वाटरमेलन वगैरह है, लगभग सारे जूस है। ये वाला फ्रेश जूस वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मिल्क शेक भी है वहाँ पे सारे रखे हुए हैं, तो यू कैन चूज़। और यहाँ पे सैलड का सेक्शन है, फ्रूट का सेक्शन है, तो बहुत कुछ है आपके पास। ये वाला ना पूरा फ्रूट का सेक्शन है, तो यहाँ से आप ये ले सकते हो, और मतलब क्या 280 रुपीज़ में 250 ग्राम मिलता है, तो अपने हिसाब से आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो। वैसे ही सेम काउंटर वहाँ पे उसका है, वेजिटेबल नहीं उसका, सैलड का, तो सैलड भी आप ले सकते हो अपने हिसाब से जो भी लेना चाहते हो। और भी ना यू हैव मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे, तो पूरा ये पूरा सेक्शन है इनके पास, दाल, शाही पनीर, पनीर टिक्का, बहुत कुछ है, तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कोई सेक्शन है, तो लाइक सब कुछ जो भी आपको नॉर्मल होटल में मिलता है ना सब कुछ मिल जाता है। और ना बहुत अच्छा है कि इनके प्राइसेस बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही लाइक मतलब जो बजट फ्रेंडली होता है वैसा बिल्कुल, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इनका, तो इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई यू कैन ट्राई दिस, बहुत ही अच्छा खाना है यहाँ। मेरे को तो जो फूड कोर्ट में खाना है ना यहाँ पे उससे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना, और जैसे कि फूड कोर्ट में इस लाइक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, यहाँ पे इट्स वेरी बजट फ्रेंडली। ये जो नीचे वाला सेक्शन है ना पूरा हाइपर मार्केट ये इस साइड, तो यहाँ पे पूरा क्लोथिंग वगैरह का है, सो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर क्लोथिंग वगैरह है, थर्ड फ्लोर पूरा फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट, आइनॉक्स, PVR और फंचूरा है उस साइड पे, तो अभी हम लोग फूड कोर्ट चलते हैं, तो वहीं पे आराम से खाते हैं।
मैंने ना ये तंदूरी सोया चाप और ये लिया था लेमन मिंट बेसिल सीड्स वाला जूस। सो ना ये मैंने ना पहले ट्राई किया था, ये बहुत ही अच्छा है इसका टेस्ट ना। तो ये लेमन वैसे भी रिफ्रेशिंग होता है बहुत, तो मैं खेल के आऊँ तो मैंने ये ले लेता है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, जैसे कि जो मोहितो लेमन मोहितो होता है ना वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ अ टेस्ट है, तो काफ़ी अच्छा। इसमें सोडा वगैरह नहीं होता, नॉर्मल लेमन का। सो लेट्स टेस्ट दिस, कैसा है इसका टेस्ट। यार इसका टेस्ट ना इज़ वेरी वेरी अमेजिंग, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। तो मैंने ना शुरू में सोचा था कि मैं सब्वे खा लेता हूँ, तो वहाँ पे ना काफ़ी अच्छे हेल्दी ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो उनके पास सब होते हैं। उनका ना बॉम्बे ग्रिल सब बहुत अच्छा, तो ग्रिल सब नए आए हैं और पहले ना नॉर्मल सब आते थे, वहाँ पे आप ब्रेड वगैरह चूज़ कर सकते हो अपनी। तो वहाँ पे ना ऐसे चूज़ करके बनवाना पड़ता था कि ये जो भी आपको चाहिए, पर अब उनके पास रेडीमेड ऑप्शन है, तो आप जाकर डायरेक्ट बोल सकते हो कि हाँ मेरे को ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए। तो उनके पास सब्स है और सैलड्स है, तो काफ़ी अच्छा है वो। तो जैसे आप हेल्दी वगैरह खाते हो तो ना सब्वे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पर ना नीचे भी दो तीन ऑप्शंस ठीक ठाक थे, तो मैंने चाप ले लिया, तो चाप इज़ वेरी नाइस। तो आई फिनिश दिस, तो उसके बाद मैंने ये ले लिया था, दिस इज़ तो वेरी वेरी नाइस। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइस। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।